में नहीं, मैं आज आपकी तवज्जो एक बहुत बड़े मसले की जानिब चाह रहा हूँ। इलेक्शन का दौर है, हर शख्स आपके पास वोट मांगने आ रहा है। जुल्म सुन लें आप बहुत बड़ा, तालीम का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, खाने पीने रोजगार की क्या हालत है आप जानते हैं। मतलब मुझे बहुत बड़े आदमी कल मिले, वो बोल रहे हैं मुझे हैरत होती है, पूरा कराची प्राइवेट नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। छोड़े ये सब बातें, अस्पताल दो तजुर्बे बता रहा हूँ, दो दिन के अंदर क्या हुआ हमारे यहाँ। चूंकि अभी सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएं, कराची में दिल का अस्पताल एक ही है, सब जानते हैं वो कार्डियो है, लेकिन वहां पर नंबर 6 महीने 8 महीने बाद आता है, उतने अरसे में तो मरीज होता है, उसके चैलुम और छमाई और बरसीम का टाइम आ चुका होता है, मर चुका होता है। तो अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, वहां क्या जुल्म हो रहा है सुनिएगा। प्राइवेट अस्पताल जाइए, बोलिए मुझे अपने माँ बहन भाई बाप के दिल का ऑपरेशन कराना है, वो पैकेज देते हैं आपको, आपको 4 लाख वाला पैकेज चाहिए, 8 लाख वाला, 9 लाख वाला, 10 लाख वाला। एक खातून हमारे जानने वाली गई अभी अस्पताल में, नसीरा अजीदाबाद में अस्पताल है, बहुत बड़ा दिल का अस्पताल है, सुनिए वाकया क्या हुआ। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, दो वाकया सुनाने आपको। उनको वहां पर एडमिट किया जाता है, उसके बाद उनका ऑपरेशन जब शुरू हो जाता है, उनसे 8 लाख या 9 लाख या जो भी बिल है वो लिया जाता है, सब पेमेंटें एडवांस हो जाती है। उसके बाद जब उनका ऑपरेशन शुरू होता है, तो ऑपरेशन के दरमियान डॉक्टर आके बोलते हैं कि हम महसूस कर रहे हैं इनका दूसरा वाल्व तब्दील करना होगा। फैमिली को बोलते हैं क्या करेंगे आप बता दें, देख लें, और दूसरा वाल्व तब्दील करने के दरमियान मौत भी हो सकती है। फैमिली घबरा जाती है, क्या फैमिली बोलती है जो आप बोलना करना चाहे करिए। इन दी एंड अब डॉक्टर के पास उनकी फैमिली जाना शुरू करती है, दिन में 1 बजे, सुबह 9 बजे से ऑपरेशन चल रहा है, क्या हुआ बोलते हैं, बता रहे हैं 1:30 बजे, बता रहे हैं 2 बजे, बता रहे हैं 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 6 बजे चौकीदार के जरिए मैसेज दिलाते हैं, शुक्र है अलहमदुल्ला ऑपरेशन कामयाब हो गया, फैमिली खुश हो जाती है। 2 घंटे बाद डॉक्टर बोलते हैं हमने कब बोला ऑपरेशन खत्म हुआ है, अभी तो ऑपरेशन चल रहे हैं। और उसके बाद जाकर कहीं 10:30 बजे डॉक्टर आता है, उसके दोनों हाथों से खून टपक रहा है, और वो खातून के बेटे के सामने इस हालत में कि उसके गिलास से खून टपक रहा है बोलता है कि मैं तुम्हारी मां का दिल अपने हाथ से 40 मिनट तक सीपीआर करता रहा, लेकिन यार मेरे बस में नहीं, दुआ करो। उन्हीं के बराबर में मौजूद एक और शख्स खबर देता है कि आपकी वालदा की डेथ तो दिन में हो चुकी थी, चूंकि प्राइवेट अस्पताल है, ओपीडी भरी हुई है, 4 और डेथें हुई हैं, लेकिन अब रात में 11 बजे एक एक करके बॉडी देंगे, ताकि रश छट चुका है, सबकी बॉडियां ले जाओ। और बाकी जो कुछ मैंने आपको बताया मैंने अपनी आंखों से उसके बाद देखा, 2 बॉडियां हमसे पहले 5-5 मिनट के गैप से, फिर हमारी और हमारे जाने वाले। और एक वाकया ये, दूसरा एक और अस्पताल है बहुत बड़ा दिल का, काला पुल के आसपास है, नाम में किसी का नहीं लगा। वहां पर एक मरीज जाता है दिल को ऑपरेशन कराने, उसको बोलते हैं 2,70,000 रुपए का आपको ऑपरेशन होगा। मैं पूरा वाकया अभी अस्पताल में गया हूं, मिल के आ रहा हूं सबसे, और मेरे वीडियो भी बनाई हूँ तमाम चीजों की। एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है सही, 2,10,000 रुपए का आपको ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ऑपरेशन करने के दरमियान गलती से उनसे दिमाग की वेन जो है, जो खून दे रही है दिमाग को, वो डिस्टर्ब डैमेज हो जाती है, उनको पता नहीं चलता। वो ऑपरेशन कंप्लीट कर देते हैं, पूरा जिसम उनका सिल देते हैं, उनको कमरे में भेज रहे हैं। बाद में मालूम होता है 4 घंटे बाद कि वो जो खून की वेन है डैमेज हो गई, जिसकी वजह से दिमाग में फट गई जाके, और पूरे जिसम पे फालिज हो गया, दिमाग में क्लॉट्स बन गए। 4 घंटे बाद दोबारा जिसम खोला जाता है, ऑपरेशन होता है, उस वेन को सही करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद 2 दिन बाद दिमाग का भी ऑपरेशन कर देते हैं, उसमें स्टेंट लगा दिया जाता है। उसके बाद मालूम होता है आंखों की बिनाई चली गई, दिमाग के अंदर इतना ज्यादा डैमेज हुआ है। आज वो फैमिली हमसे रब्ता करती है कि भाई हम तो 2,70,000 क्या, हम तो 5,70,000 भर चुके हैं, मजीद पैसा मांग रहे हैं, मैं उस अस्पताल के इंतजामिया से आगे मिलता हूँ, ये क्या जुल्म है। तो कहते हमारी गलती थोड़ी है, हमने तो फला डॉक्टर को यहाँ पे ठेके पे दिया हुआ, वो जो करता रहेगा, पैसे तो आपको हमको देने होंगे। और जब मैंने उनकी वीडियो सारी बना ली, फैमिली आप ये जुल्म कर रहे हो, वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं सही तो भेजें हमने मरीज नहीं हुआ। तो भाई मैं जो लोग भी जिनका हुक्मरानी है, जिनका कंट्रोल है इस मुल्क पे, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ, जो भी है सियासतदान है, कोई भी नहीं जानता, मैं उनसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भाई खुदा के वास्ते आवाम, गरीब आवाम के साथ कैसे कैसे जुल्म हो रहा है, किस किस तरीके से दरिंदगी हो रही है, तालीम बेची जा रही है, सेहत बेची जा रही है, मरीजों में तजुर्बे हो रहे हैं, उनके लवाइटी को बोल रहे हैं हंसते हुए ले जाओ, तुम दिल का ऑपरेशन कराने आए थे, हमने तुम्हारे मरीज की आंखें भी खत्म कर दी, उसका दिमाग भी खोल दिया, सब कुछ कर दिया, पैसे भी लिए, जो कर सकते हो कर लो जाओ। मैंने इन सब चीजों की वीडियो बनाई, जिसको कोई शक हो आके देख लेना मेरे पास, लेकिन इस जुल्म का कोई तो हिसाब होना चाहिए। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि किसी अस्पताल में जा रहे हो, पैकेज ले रहे हो ना, 4 लाख रुपए ले रहे हो ऑपरेशन का, उसके बाद 1 रुपया भी मांग रहे तो क्यों दे रहे हो भाई, जुल्म है जुल्म। प्लीज खुदा के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी जुल्म है, जिस अस्पताल में जाएंगे वो आपसे बोलेगा 3 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, 4 लाख का, और आपके पास जितना पैसा होगा सब आपसे वसूल कर लेंगे। बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि जालिम इस बिजनेस को, इस जुल्म का बिजनेस जो चल रहा है हमारे मुल्क में, इलाज के नाम पर इस माफिया को बेनकाब किया जाए। बहुत शुक्रिया।